बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वाक् की व्याख्या करेंगे। ठीक है, प्रथम दो पद्यांशों की या वाक् की। तो इसके रचयिता हैं कवित्री लल दद्द जी, जो कश्मीरी कवित्री रही हैं। 1320 ईस्वी में श्रीनगर के पास सिंहपुरा में इनका जन्म हुआ था। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं ना, जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। बड़ी सरल भाषा में आपको समझ आ रही होगी। पानी टपके कच्चे से कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों, हम देख सकते हैं नाव का अर्थ है शरीर रूपी नाव। ठीक है, नाव के समान शरीर। तो जो भवसागर दुनिया, मतलब जो सागर के समान दुनिया। ठीक, नाव शरीर, दुनिया सागर, देव प्रभु, कच्चे सकोरे मिट्टी का बना छोटा पात्र बर्तन, जिसे पकाया ना गया। ठीक है, पकाया मतलब भट्टी में पकाए जाते हैं ना, अगर आपको पता हो। ठीक है, ये देखिए, मिट्टी का बना छोटा पात्र जिसे पकाया नहीं गया हो, अर्थात जो भट्टी वगैरह में, ठीक है, पकाए जाते हैं बर्तन, मिट्टी के जो भी होते हैं। तो अब व्याख्या शुरू करते हैं। तो कवित्री जी कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे, ठीक है, रस्सी कच्चे धागे की के सहारे अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। ठीक है, सांस के सहारे ये ज़िंदगी चल रही है ना। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर, जाने का मेरी पुकार सुनकर, जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, इस दुनिया, जो संसार रूपी सागर है, दुनिया रूपी सागर, उसे मुझे पार करेंगे। तो ध्यान रखें, भव सागर एक समास है। ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, अगर आपने कभी मटका देखा हो मिट्टी का, उसमें से पानी बाहर रिसता है। ठीक है, और उसी तरह समय बीतता जा रहा है पानी टपकने के जैसे, और प्रभु जी को पाने के मेरे जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। कवित्री जी के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु जी के पास पहुँच जाएँ और सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा सकें। ठीक है, तो इस जो पद्यांश में उन्होंने इतनी ही बात की है कि वो सांसों के सहारे इस शरीर को ये दुनिया रूपी सागर में चला रही हैं, और जो कच्ची कच्ची जो मिट्टी का बर्तन है, उसके जैसे पानी रिसता है, वैसे रिसता जा रहा है, समय व्यतीत हो रहा है पर कुछ हो नहीं पा रहा, शायद मेरे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब बच्चों आते हैं दूसरे पद पर। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। मतलब खा खा कर कुछ नहीं मिलेगा और ना खाएगा तो अहंकारी बनेगा। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगा सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य के द्वारा एक चीज़ स्पष्ट होती है, ना कम खाओ ना ज़्यादा खाओ, मध्य का खाओ। तो बच्चे शुरू करते हैं। पहले अहंकारी का मतलब पता है, अभिमानी घमंडी, संभावी समानता की भावना वाला। यहाँ पर सम का मतलब है इंद्रियों का शमन, नाश करना, सांकल जंजीर। ठीक है, तो कवित्री जी मनुष्य को मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है, मनुष्य तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। खा खा कर मतलब ये जो दुनिया की भोग विलासिता है, उनमें से कुछ नहीं मिलेगा, और अगर तू इनको त्याग भी देगा, अर्थात इसे भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपना लेगा, तो तेरे मन में अहंकार बढ़ेगा। ठीक है, मतलब दुनिया जिएगा तो पंगा, ना जिएगा तो पंगा, इसलिए मध्य मार्ग अपना, भोग त्याग सुख दुख के बीच का मार्ग अपनाने से ही प्रभु भक्ति का जो बंद द्वार है वो खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। समभाव से चल, समानता के भाव से चल, इंद्रियों का शमन कर। ठीक है बच्चों, तो ये पहले दो वाक्य की व्याख्या है। अगली वीडियो में बाकी के दो वाक्यों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।